हाय गाइज, आप सभी को हम बता दें, आज हमारे पास 750 लीटर का टंकी है और इसे हम लोग आपको फिट करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी, जिसे आप लोग इस वीडियो के माध्यम से काम कर सकें। सबसे पहले आपको ले चलते हैं टंकी के पास। तो दोस्त, हम आपसे बता दें, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका होल करेंगे। होल कैसे करेंगे, 1 इंच का पाइप लेंगे और इसे आग पे गर्म करेंगे। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग गर्म कर रहे हैं। आप या गैस सिलेंडर आपके पास है वहाँ भी गर्म कर सकते हैं। गर्म करने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ होल होगा। ये जो 750 लीटर लिख के दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग 3 लेट के लिए होल करेंगे और आउटलेट के लिए भी आपको दिखा दें। टंकी के निचले भाग में यानी यहाँ पे आपको आउटलेट के लिए एक होल करेंगे, साथ में जो टंकी का ओवरफ्लो होगा वो यहाँ पे हम लोग होल करने वाले हैं अभी। इसके बाद आपको फिटिंग करके दिखाया जाएगा। ये जो पाइप है 1 इंच का, ये गर्म हो गया है, अभी अब होल करने हम लोग जा रहे हैं। देखिए अभी किस प्रकार से ये होल हो रहा है, आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। सेम टू सेम आप लोग भी इसी तरह होल कीजिए और ये सतर्क होके ये गलत जगह होल ना हो जाए। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे होल हो गया। उसके बाद जो टैंक नेपल है 1 इंच का, भी हम लोग यहाँ पे टाइट कर रहे हैं। सेम उसी तरह आउटलेट के लिए भी हम लोग पाइप को गर्म कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे होल हो रहा है। यहाँ भी हम लोग होल करेंगे और टैंक नेपल फिट करेंगे, वो भी आपको दिखा रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं ये भी होल हो गया और ऊपर का आउटलेट जो भी है और इनलेट दोनों का होल हम लोग कर दिए हैं। अब यहाँ भी टैंक नेपल फिट करके दिखाएंगे अभी आपको। और इस टंकी में ये तीसरा होल है और ये होल ओवरफ्लो के लिए निकाला जा रहा है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। ये भी होल क्लियर हो गया। अब इसे भी, इसमें भी हम लोग टैंक नेपल कस के दिखाएंगे आपको। अभी इसको परफेक्ट हम लोग टाइट कर रहे हैं, अंदर बाहर दोनों तरफ से, जैसे कि ये बाहर से भी टाइट किया जा रहा है, अंदर से भी आपको दिखा रहे हैं। अब इसे सलाई रिंच के सहारे थोड़ा टाइट करेंगे, उतना टाइट करेंगे जितना में ये अपना काम हो जाए। ज़्यादा टाइट करने पे ये टूट भी सकता है। उसी प्रकार हम लोग जो मोटर से इनलेट आ रहा है, जो टंकी में अंदर जाएगा, उसको भी हम लोग परफेक्ट रूप से टैंक नेपल जो हमारे पास है उसको कसने जा रहे हैं। अब ये जो टंकी से ओवरफ्लो होगा उसके लिए हम लोग टैंक नेपल कस रहे हैं, यानी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तीनों टैंक नेपल कस के रेडी हो गया। ये हो गया आउटलेट के लिए, ये हो गया इनलेट के लिए और ये टंकी से जो ओवर होगा उसके लिए, यानी हमारा टंकी में जो भी होल करना था उसको हम लोग क्लियर कर लिए।